तरह से टेंशन में रहता था, इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया जीत का भाग सुचरी टेंशन में यार। सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सो। आक्रमण कर दिया, कौन सा आक्रमण? कलिंग आक्रमण। यहाँ के राजा नंदराज, कौन थे? नंदराज। कलिंग आक्रमण कर दिया गया, और कलिंग आक्रमण इतना भीषण आक्रमण था कि कलिंग का बच्चा बच्चा को काट दिया गया, मतलब बूढ़ा बच्चा किसी को नहीं देखा गया, सबको काट दिया गया कलिंग युद्ध में। अशोक का हृदय कलिंग युद्ध में मरे लाश को देखकर नहीं हुआ था, बल्कि अशोक का हृदय वहां पर महिलाओं की लाश और बच्चों की लाश को देखकर हुआ था। जो महिलाएं घर का काम करती है, जो युद्ध कभी नहीं कर सकती हैं, अगर उसे कोई काट दे, 5 साल 6 साल के बच्चे को अगर काट दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति का हृदय पर पिघल जाता है। लोग दुश्मन के दुश्मनी जो होती है ना, तो दुश्मन के भी बच्चे को आदमी थोड़ा सा कहता है तो बच्चा है। यहाँ पर इतना नरसंहार हुआ, इतना काट दिया गया कि अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हुआ। युद्ध के मैदान में ही अपना तलवार छोड़ दिया था पूरी तरह से, एकदम न लड़ने वाले हैं। क्या मिला हमको? हमारी सीमाएं थोड़ी और आगे बढ़ गई, लेकिन हम तो क्या हो गए, पूरी तरह से मानवता के नाम पर हम कलंक हो गए। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से टेंशन में रहता था, इसकी पत्नी आके मनाती थी, क्या हो गया जीत का भाग सुचरी टेंशन में यार। वो बेचारा अपने टेंशन में आकर खाना खा लीजिए नाश्ता कर ले, अरे बेचारा वो इतना टेंशन में, उतना आदमी को काट के आया है, वो बेची दिमाग नोचे झार दिया है, भाग हम तो कारूबाकी करिए हमरो झार दीजिएगा, तो कहते तू स्पेशल है, निकल यहाँ से स्पेशल। लड़का सबको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं पहचानता है, भले बाद में मना ले सो। तो इसने क्या किया, पूरी तरह से ये क्या लिखे जी, 261 एक छूट गया क्या, इधर लिख देंगे चलेगा। एक छूट गया था वहां तो 261 ईसा पूर्व में क्या हो गया था भाई, कलिंग युद्ध गया। कलिंग युद्ध के बाद इनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। जब भी आप कोई चीज एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएंगे ना, तो फिर आपको दिमाग मतलब वहां से क्या होने लगता है, भागने लगता है। आप भी खूब ज्यादा पढ़ने लगिएगा, पढ़ने लगे एक वक्त आएगा कहेंगे देखो यार कितना पढ़े आदमी, हर काम से एक एक एक्सट्रीम लेवल आता है। इसने भी युद्ध छोड़ने की ठान लिया, तो इसको लगा कि भैया अब हम ये दूसरा धर्म अपनाने के लिए, तो इसका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। भतीजा का नाम क्या था? निग्रोथ। निग्रोथ जो था वो बहुत शांत रहता था और उसको कोई टेंशन नहीं रहता था, तो ये निग्रोथ से बड़ा प्रेरित था भतीजा से, कहता था तुम इतना शांत कैसे रहता है, तो कहा कि हम बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलिए, मार धार मत करिए, 10 सील का पालन कीजिए, यहाँ पर जो 3 उनके उपदेश दिए गए हैं उनको ध्यान दीजिए, सत पिटक विनय पिटक अभिनम पिटक ये सबको पढ़िए ठीक रहेगा। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि महात्मा बुद्ध कर अशोक ने पूछा कि क्या है बौद्ध धर्म, कहा देखिए हम कोई बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पुरोहित तो है नहीं, पुरोहित नहीं है हम, एक काम कीजिए आपको हम एक गुरु के पास ले जाते हैं। तो अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा क्या मिली, प्रेरणा। प्रेरणा किसने दिया? निग्रोथ। प्रेरणा किससे मिला? निग्रोथ। ये उनका क्या था? भतीजा था। लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली? उपगुप्त। उपगुप्त। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली थी? बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। इसके बाद अशोक कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। लेकिन अशोक दूसरे धर्मों को हमेशा इज्जत की भाव से देखता था और कहा कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन मेरी जनता का धर्म बौद्ध धर्म नहीं है। जनता स्वतंत्र है वो अपने धर्म को मानने के लिए, वो सामूहिक जगहों पर कभी भी बौद्ध धर्म की मतलब ऐसा जबरदस्ती नहीं करता था। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा, महेंद्र और बेटी संगमित्रा, अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। तो बेटा महेंद्र और बेटी संगमित्रा श्रीलंका गई और इससे प्रभावित होकर श्रीलंका के सिंघली वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म की ही अधिकता है। अशोक ने जितना बौद्ध धर्म को फैलाया उसने दूसरा किसी ने नहीं फैलाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत शालीनता से फैलाया, कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं फैलाया था। अशोक जगह जगह पे संदेश देता था कि लोगों को अत्याचार न किया जाए और अशोक ने यह प्रण ले लिया जब बौद्ध धर्म अपना कि आज के बाद वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन अशोक के डर इतना ज्यादा था लोगों में, जब तक अशोक जिंदा था
किसी की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता था इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। किसी दिन अगर उठ गया तो फिर सबको साफ कर देगा यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने इसे देखा था कश्मीर को निपटाते हुए, कलिंग का फाइल निपटाते हुए, इतना बुरा मारा जिसका कोई हद नहीं। लेकिन जब अशोक मरा था तो इसी के सिंहासन को लोगों ने उखाड़ फेंका था और इसके बाद कई वंशों की स्थापना होगी। तो अशोक ने अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा भैया? श्रीलंका में भेजा था, श्रीलंका में। और भारत में अशोक ने, इवन भारत के अलग अलग जगहों पर अशोक ने सोचा कि बौद्ध धर्म का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति की स्थापना हुई? कौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र। किसके देखरेख में? अशोक के देख। अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अशोक ने ईरान के शासक डेरियस, जो हखमनी वंश का था, ईरान का शासक का नाम क्या था? डेरियस, हखमनी वंश का शासक, उससे एक सीख लिया था अभिलेख लिखवाने का। तो अशोक ने क्या करना चालू किया? अभिलेख लिखवाना चालू किया। अभिलेख क्या होता है? पत्थर पर लिखा जाता है अभिलेख। अब ये पत्थर पर अभिलेख लिखने की परंपरा भारत में किसने चालू की थी? अशोक ने। अशोक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वो जब भी शिलालेख को लिखवाता था तो उसमें एक चीज की ध्यान रखता था कि भाषा का ध्यान रखना है। अब बताइए, हम ही को अगर शिलालेख लिखना है या स्तंभ लेख बंगाल में लिखना है, वहां हिंदी में लिख देंगे तो बंगाल के लोग समझेंगे? हिंदी समझ जाते हो बंगाली? हाँ, पढ़ने में दिक्कत होता है, ऐसे बोलते हैं तो समझ जाते हैं। हाँ, वो होता ही है। जैसे आप लोग को भी देखिए ना, उर्दू तो समझ जाते हैं, हम बोलेंगे पानी पी लीजिए, बैठ जाइए, वो ये सब तो क्या चीज़ है, बैठ जाइए। हिंदी बोलेंगे बिराजिए यहाँ। बहुत क्लिष्ट हो जाती हिंदी में। तो उर्दू आप भी समझ जाते हैं, लिखने थोड़े आता होगा। तो वैसे ही मतलब अलग, अशोक भी समझता था कि हमको क्या करना है, ऐसे ही भाषा का प्रयोग करना है जो लोग क्या कर सके, समझ सके। अब इसमें दो चीज होती है, भाषा एक होती है आप लिख क्या रहे हैं, जिस जैसे हिंदी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन दोनों भाषाओं में एक चीज कॉमन है कि दोनों बाएं से लिखा जाता है। दोनों कहां से लिखा जाता है? बाएं से। इंग्लिश भी इधर ही से लिखते हैं और हिंदी भी इधर से लिखते हैं। इस तरह उसे लिपने की कला समान है, जैसे नहीं बोलते बचपन में आदमी राइटिंग खराब होता था तो टीचर बोलते थे कौन सी लिप दिया रे, नहीं। तो हिंदी को भी इधर से लिपते हैं, अंग्रेजी को भी इधर से लिपते हैं। तो लिपने की कला को लिपि कहते हैं, लिपने की कला को लिपि कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी है? सेम। इंग्लिश और हिंदी दोनों की लिपि कैसी? सेम है। अब अशोक ने अपने जितनी भी लिपि लिखी है वो किस लिपि में लिखी है? ब्राह्मी लिपि में। कुछ नहीं, ब्राह्मी लिपि में। किसमें लिखा है? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने जो अभिलेख को लिखवाया है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिपि से लिखवाया है। भारत में जो लिखवाया है वो कौन सी लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि। भारत में ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत में उस समय ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि। किसमें चल रहा था? खरोष्टी। तो पाकिस्तान में कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। अब वहीं अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान में तो आर्माइड लिपि, अफगानिस्तान में आर्माइड लिपि। और अगर ग्रीक में चले जाएंगे तो वहां पर ग्रीक लिपि। कौन सी लिखी? ग्रीक। तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अर्माइड और ग्रीक। भारत में बोलिए तो ब्राह्मी। भारत में कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि को लिखा। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अर्माइड लिपि, और ग्रीक वगैरह में ग्रीक लिपि। अशोक का सबसे दूर अभिलेख किस देश में मिला है? ग्रीक। अभी उस जगह पर हो गया है देश जिसका नाम है तुर्की। क्या हो गया है? तुर्की। तुर्की को उस समय एशिया माइनर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? एशिया। तो एशिया माइनर तक इसके संदेश लिखे गए हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने क्या लिखा है? संदेश लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसने आदेश दिया था कि जो मेरे मतलब राजदूत हैं या जो मेरे कर्मचारी हैं वो ब्राह्मणों को न सताएं, ब्राह्मणों को न सताएं। जो ये बात बताता है कि अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। सहिष्णु का मतलब होता है सब में आस्था रखना, मतलब सबकी इज्जत करना। और एक होता है असहिष्णु। असहिष्णु मतलब हमारे सही है, बाकी मर जा ससुराल में, कचर के रख देंगे बाकी लोगों को यहाँ पर। तो भारत में अशोक के समय से ही धार्मिक रूप से क्या था? अशोक सहिष्णु था, यानी उस सारे धर्मों को बराबर लेकर चलता था। ग्रीक अर्माइड, टोटल कितने जगह पे इसकी लिपियां मिली है? भारत में बोलिए ब्राह्मी लिपि, भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ग्रीक में ग्रीक लिपि, एशिया माइनर अभी हो गया है। तुर्की का अभी उस समय का नाम क्या था?
एशिया माइनर। अभिलेख समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पत्थरों पे लिख देना क्या गलत है? अभिलेख छोटे से पत्थर पे लिखे हैं, शिलालेख पिलर पे लिखे हैं तो असम, दीवार पे लिख दिए हैं भित्ति लेख, गुफा में लिख दिए हैं गुफा लेख। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिक्ट। क्या कहते हैं? एडिक्ट। रॉक एडिक्ट, पत्थर पे लिखे हैं तो रॉक एडिक्ट, पिलर पे लिखे हैं तो पिलर एडिक्ट, दीवार पे तो रॉक एडिक्ट, गुफा में है तो केव एडिक्ट। गुफा क्या कहते हैं? केव कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं। अशोक ने अपने संदेश बहुत जगह भेजता था, इसने कई अधिकारियों को भी नियुक्त किया था, संदेश वाहक को नियुक्त किया था, जिसमें राजुक बहुत ही प्रसिद्ध थे। यहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म के धम्म नीति को आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म के किस नीति को? धम्म नीति। धम्म का मतलब होता है धर्म की नीति पर चलना, धर्म की नीति पर क्या करना है? चलना है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए अशोक ने बहुत किया था। धम्म का मतलब या धर्म का मतलब क्या हमारे धर्म से होता है? हम लोग गलत समझे करते हैं। धर्म का अर्थ होता है इंसानियत, धर्म का अर्थ होता है इंसानियत, जिसके अंदर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ये तो धर्म ही नहीं है। लोग बोलते हैं ना धर्म संकट में फंस गए, तो मतलब इंसानियत। तो उसने ऐसे लोगों को संदेश दिया और इसकी जांच के लिए कि लोग इंसानियत के रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, अर्थात धम्म के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसके लिए उसने एक मंत्री नियुक्त किया। मंत्री को अमात्य बोलते हैं, क्या कहते हैं? अमात। तो उसने एक मंत्री नियुक्त किया धम्म महामात्र। कौन सी अधिकारी? धम्म महामात्र। तो अशोक ने लोगों के धार्मिक जीवन को ठीक ठाक से, इंसानियत ठीक रखने के लिए कौन सी अधिकारी को नियुक्त किया? धम्म महामात्र। कौन सी अधिकारी? धम्म महामात्र। कौन सा? धम्म महा। स्त्रियों के प्रति भी अशोक की काफी ज्यादा सहानुभूति थी, स्त्रियों की बहुत ज्यादा हत्या भी हो गई थी यहाँ पर, और बाकी इनकी चार पांच गो पत्नी थी ही सब वहां पर। तो स्त्रियों की देखरेख के लिए, उनकी स्थिति को जांच करने के लिए, जिस तरह आज के समय में महिला आयोग है, उस समय स्त्री महामात्र की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने अपने ज्यादातर मतलब इसको संदेश को किसके माध्यम से फैलाया था? शिलालेख के माध्यम से फैला दिया था। अशोक ने कई अन्य भी काम किए थे, तीर्थ यात्रा कर इत्यादि को भी हटाया था अशोक। हालांकि अशोक ने कभी भी बौद्ध धर्म को किसी भी तरह का राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अशोक किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ 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 ठीक ठाक, फैमिली के साथ रहते थे, बौद्ध धर्म के बाद भी वो लोग फैमिली के साथ रहता था। पहले के जमाने में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ना ये लोग घर छोड़ के भाग गया, बाकी लोग घर नहीं छोड़े थे लोग यहाँ पे। अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक के चौथे वर्ष कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के समय राजा कौन था? नंदराज। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक ने किसी शिलालेख में दिया है? दिया, वो हम आगे पढ़ाएंगे, और अशोक के 14 शिलालेख तो उसमें ही बताएंगे, लेकिन कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी ये एक अभिलेख से मिलता है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। ये उड़ीसा में स्थित है, हाथी गुफा अभिलेख। तो कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख, विस्तृत जानकारी हाथी गुफा अभिलेख। क्या हाथी गुफा अभिलेख अशोक का है? नहीं। क्या नंदराज का है? नहीं। उड़ीसा का राजा खारबेल का, उड़ीसा का राजा खारबेल, उड़ीसा के राजा खारबेल ने अपने यहाँ हाथी गुफा अभिलेख, एक अभिलेख बनवाया जो आकार में कैसा था? हाथी के समय। तो हाथी गुफा अभिलेख बनवाया, उसमें उसने विस्तृत जानकारी दे रखी है किसके बारे में? कलिंग के बारे में, अशोक के बारे में, कि अशोक नामक राजा मगध से आकर कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया, और कलिंग को भारत में क्या कर लिया गया था? मिला लिया गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को जानने के लिए, बौद्ध धर्म की प्रेरणा किसने दिया था? निग्रोध। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? अशोक की पांच पत्नियों में सबसे प्रिय पत्नी कारू बाकी। अशोक ने अपने बेटा और बेटी का नाम बताइए तो? संगमित्रा और महेंद्र, महेंद्र और संगमित्र। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई? तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक का बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था, इसका निजी धर्म था? क्या इसने दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु था या असहिष्णु था? सहिष्णु था। अशोक को इस अभिलेख लिखने की प्रेरणा किसने दिया? किसने? डेरियस। डेरियस कहाँ का शासक? ईरान का शासक। डेरियस ईरान का शासक, ईरान के किस वंश का शासक? हकमनी वंश का। कौन सा वंश? हकमनी वंश का शासक था। अशोक ने जनता की भाषा में कुल चार लोकप्रिय भाषाओं में अभिलेख लिखा है। भारत में, भारत में, भारत में, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाई, अफगानिस्तान में, और ग्रीक में,
अभी के समय उस जगह का नाम तुर्की, हालांकि उसे और नाम से जानते हैं, एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए हैं, ये अशोक के जितने अभिलेख है, ये अभिलेख जो सबसे ज्यादा किस भाषा में है, किस, आप भी बताइए, सबसे बड़ा एरिया इसमें कौन दिख रहा है, भारत, तो सबसे ज्यादा किसमें होंगे, ब्राह्मी, किसमें, ब्राह्मी लिपि में होंगे यहाँ पर, अशोक वगैरह के काल में। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को अशोक में दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, देखिए मटेरियल में कुछ गलती उलती है, हाँ देखिए कुछ सुधार उधार भी करना है इसमें। अशोक ने क्रूरता पूर्वक कहां के विद्रोह को दबाया था, कलिंग के, कहां के विद्रोह को, कश्मीर के विद्रोह को न दबाया था, कलिंग बोलता है। अब इसके बाद बच गया अशोक का मतलब शिलालेख, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इत्यादि के बारे में देखते हैं। चलिए पकड़िए, अभी अशोक का मेनली अभिलेख वाला हिस्सा देखते हैं। देखो भाई, अशोक के जो अभिलेख थे, कलिंग कश्मीर को दबाया गया था, जो विद्रोह बहुत क्रूरतापूर्वक था, और उसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, राजतरंगिणी से। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग समझते हैं। अभिलेख अशोक ने कई टाइप के लिखवाए, एक कुछ बड़े अभिलेख है, कुछ छोटे अभिलेख है, कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो पिलर पे लिखे गए हैं, जिसे हम लोग स्तंभ लेख कहते हैं। तो अशोक के अभिलेख कई कैटेगरी में बटे हैं और कई भाषाओं में बटे हैं। अभिलेख में अशोक की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अशोक वगैरह की जानकारी, खुदाई वगैरह तो यहाँ हुई, बाद में खुदाई हुआ, और पत्थर पे कुछ कुछ लिखा हुआ संदेश मिला, तो इसको लिखने की सफलता जो मिली थी, जेम्स प्रिंसेप को मिली। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता किसे मिली, जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के अभिलेख लिखने की सफलता जेम्स प्रिंसेप को। लेकिन जेम्स प्रिंसेप को एक बात बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि वहां कहीं भी अभिलेख पर अशोक नहीं लिखा था, दिक्कत, संदेश लिख दिया था, मैं मगध का राजा। अरे मगध का राजा, तो मगध में तो 75 को राजा होके गए सब, क्या पता कि अजात शत्रु का है कि बिंबिसार का है कि अशोक का है, नहीं ना कह सकते कि धनानंद का है, किसी का भी हो सकता है। वहां पे लिखा मैं मगध सम्राट, तो भैया मगध का सम्राट तो बहुत से लोग थे, प्रियदर्शी, मगध साम्राज्य में कोई प्रियदर्शी था ही नहीं और लिखता मैं मगध साम्राज्य प्रियदर्शी, तो सब पढ़ने की, तो अभिलेख प्रिंसेप लिखेगा कैसे, लिखने की बोल दिए हैं। अरे वही बात है, लिखेगा थोड़ी ना, अशोक ने तो अभिलेख लिख दिया, लिखने की प्रेरणा किससे लिया था, डेरियस, उस लिखे हुए अभिलेख को कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था, उसे पढ़ने की सफलता पहले किसे मिली, जेम्स प्रिंसेप, उसी ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई, उसमें क्या लिखा हुआ था, मगध सम्राट, हर जगह क्या लिखा था, मगध सम्राट, और बाकी कई जगह लिखा था मैं मगध का राजा प्रियदर्शी, लेकिन दिक्कत जानते क्या हो गया, हर जगह सुबूत उबूत मिलाया जाता है ना, कहीं कहीं से लिंक हो जाता है, बस एक जगह लिख दिया, राजस्थान में, राजस्थान में एक अभिलेख लिखा, वहां लिखा मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी, तब कहते ससुरा जहां जहां प्रियदर्शी लिखल है ये है, कौन है, यही है। तो कहीं कहीं के अभिलेख में, टोटल अभिलेख में क्या अशोक के नाम लिखे गए, तीन नाम प्रसिद्ध है, एक प्रियदर्शी, एक मगध सम्राट, एक ही जगह क्या लिखा गया है, अशोक लिखा गया। अब इसके कई अभिलेख है, कुछ छोटे अभिलेख है, कुछ बड़े अभिलेख है, कुछ क्या है, स्तंभ लेख है सब। तो इस सारे अभिलेखों को हम लोग अब एक ही, अब इसको अलग से एक ही टाइप में पढ़ेंगे लोग, आज थोड़ा सा टॉपिक क्या हो जाएगा, चेंज टाइप का हो जाएगा। अभी तक तो राजा वगैरह देख रहे थे लोग, यहाँ पे बिंबिसार वगैरह देख लिए कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, एक बार इसको देखते हैं फिर अभिलेख के बारे में। बिंदुसार किस धर्म को मानता था, क्या अशोक आया तो आजीवक संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव किया, हम कैसे मान ले कि भेदभाव नहीं किया, हम कैसे मान ले, अशोक आजीवक संप्रदाय की भी इज्जत करता था, क्योंकि ये गया में स्थित बराबर नाम के जगह पर कुछ पहाड़ स्थित है, जगह का नाम क्या है, बराबर, हालांकि वो बराबर है ही नहीं है, बराबर जगह पे क्या है, पहाड़ है, उन पहाड़ों पर गुफा बनवाया था, उस गुफा के कितने संख्या थे, चार, और किसे दे रखा था, आजीवक संप्रदाय, चार गुफाओं के नाम क्या थे, एक का नाम था सुदामा, गुफा का नाम सुदामा, कर्ण,
चोपड़ा विश्व झोपड़ी, सुदामा कर्ण 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 चोपड़ा विश्व झोपड़ी। ये चारों गुफाएं इसने किसे दे रखा था? आजीवक। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक आजीवक संप्रदाय के प्रति भी श्रद्धा रखता था। ब्राह्मणों को न सताने का आदेश दिया, इसका मतलब यह हिंदू धर्म में भी श्रद्धा रखता था। खुद कौन से धर्म को अपनाता था? बौद्ध धर्म को। इसके दरबार में जैन धर्म के लोगों को भी बहुत इज्जत सत्कार दिया गया था। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था। लोगों की शिकायत इत्यादि को सुनने के लिए भी अधिकारी वगैरह की नियुक्ति किया। इसका मतलब अशोक ने कोशिश किया कि समाज के छोटे से बड़े लोगों को क्या किया जा सके, बराबर का दर्जा दिया जा सके। और अपने संदेश को फैलाने के लिए अशोक ने कई जगहों पर क्या रखा था? शिलालेख। और ये इसकी इंसानियत थी कि मगध का इतना प्रतापी योग्य शासक होने के बावजूद वो अपना नाम अशोक नहीं लिखवाता था। और यहाँ लोग एगो विधायक जी नाली बनवाते हैं तो नाली से पहले खोदवा के लिख जाते हैं स्वर्गीय फताना, स्वर्गीय नहीं जी माननीय, गलती हो गई, माननीय मतलब फलाना आदमी है, स्वर्गीय नहीं माननीय लिखवा दे। जबकि वो केवल क्या लिखवाता था? मगध सम्राट। जबकि ऐसा भी तो हो सकता है मुखिया जी अगर नाली बनवाए या सड़क बनवाए तो लिख सकते हैं ना माननीय मुखिया के कर कमलों से मतलब प्रारंभ किया गया, तो माननीय मुखिया अगवा नाम जरूर लिखवाता है। वो अशोक इतना महान होने के बाद भी जल्दी नाम नहीं लिखाया था, इसीलिए समस्या हो गई थी उसे पढ़ने में। पढ़ने में कामयाबी सबसे पहले किसे मिले? जेम्स प्रिंस। अब हमें क्या पढ़ना है? अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेख, छोटे लेख, बड़े लेख इत्यादि के बारे में अब हम चर्चा कल करेंगे।